हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ये सीटेट बीटेट के मेरे भाई लोग जैसे ही ख़त्म करेंगे हम लोग आ रहे हैं। और हमारा एक ही मांग है कि सातवां चरण जल्द से जल्द सरकार प्रारंभ करे और विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव मंजूर नहीं करेंगे, किसी कीमत पर मंजूर नहीं करेंगे। जान की बाजी लगा देंगे लेकिन मंजूर नहीं करेंगे। सरकार को 30,675 मेरिट अभ्यर्थी को नौकरी देनी ही होगी। आप विज्ञापन से पलटी नहीं मार सकते। इसमें अभी प्रमुख से नाम है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस का, सरकार भी इसके साथ मिली हुई है। तो हम इसका जवाब देंगे, अनशन होगा, भूख हड़ताल होगा, आर पार की लड़ाई होगी, पद यात्रा होगा, जितना करना होगा कर लेंगे। और हमने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर सरकार संविधान में हाथ मिलेगी तो हमारे लिए भी रास्ते खुले हैं। आमरण अनशन इस बार आमरण अनशन होगा, फास्ट टिल डेथ। आप एसटीटी 19 को देखिए, 2019 में आया विज्ञापन, मैं खुद अपने माँ की गहने बेच कर फॉर्म भरा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी जिस तरह से आंदोलन हो रहा है आप देख ही रहे हैं कि गर्दनी बाग में लगातार सीटेट वाले आंदोलन कर रहे हैं, और इसी बीच अब एसटीईटी के अभ्यर्थी भी आंदोलन करने के लिए उत्सुक हैं। अब वो भी आंदोलन करेंगे अपने मांग को लेकर। हमारे साथ अनिल जुड़े हुए हैं जो कि एसटीईटी अभ्यर्थी हैं। अनिल, अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? धन्यवाद रूपम जी। अनिल एसटीटी अभ्यर्थी ना, अनिल एसटीटी मेरिट के अभ्यर्थी। हाँ, मेरिट अभ्यर्थी। बस हम लोग इंतजार कर रहे हैं, ये सीटेट बीटेट के मेरे भाई लोग जैसे ही ख़त्म करेंगे हम लोग आ रहे हैं। और हमारा एक ही मांग है कि सातवां चरण जल्द से जल्द सरकार प्रारंभ करे और विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव मंजूर नहीं करेंगे, किसी कीमत पर मंजूर नहीं करेंगे। जान की बाजी लगा देंगे लेकिन मंजूर नहीं करेंगे। सरकार को 30,675 मेरिट अभ्यर्थी को नौकरी देनी ही होगी। आप विज्ञापन से पलटी नहीं मार सकते। इसी विचार के साथ सरकार मार रही है, आपका सरकार मार रही है। और हम पूरे देश और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग मुखदर्शक मत बनिए। संविधान का अवहेलना नहीं कर सकती है सरकार। उस समय क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका आप नाम ये कहना चाहेंगे, कौन है जो इस तरह के विज्ञापन को चेंज कर दिए हैं? विज्ञापन के चेंज करने के लिए चार नाम है, चार सदस्यीय कमेटी था जिन्होंने मिलकर के इसकी सिफारिश किया था। इसमें अभी प्रमुख से नाम है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस का, इन्होंने, और उसके चेयरमैन थे जो अभी सेक्रेटरी एजुकेशन है वो थे, और एक थे डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन, और एक थे एग्जामिनेशन कंट्रोलर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। ये लोग चार मिल करके किए थे, लेकिन सबसे प्रथम नाम ये रंजीत कुमार सिंह का आ रहा है। चूंकि उनका मामला अभी बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक से भी आया है, तो एसटीटी का मामला भी एक बहुत गंभीर मामला है। विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव नहीं कर रहे एकदम। अरे कमेटी के सदस्य थे, आप भाग कैसे सकते हैं महाराज? कमेटी के आप सदस्य थे, आपने रिकमेंडेशन किया है बदलाव का, आपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे लग रहा दिमाग पर ताला लगा करके रखा आपने। विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव कर कैसे सकते हो? किसकी हैसियत है, किसकी ताकत है, किसकी पावर है? इसको किसी के पास पावर नहीं है। आप 3 साल तक इंतजार करवाओगे, मैं पढ़ूंगा, बेवकूफ हूँ क्या? और 3 साल के बाद बदल दोगे? नहीं चलेगा। ये लोग विज्ञापन इस तरह से चेंज बदलाव करते जा रहे हैं और सरकार मुक्तदर्शी जैसी बैठ के बस देख रही है, ऐसा क्यों? सरकार भी इसके साथ मिली हुई है। तो हम इसका जवाब देंगे, अनशन होगा, भूख हड़ताल होगा, आर पार की लड़ाई होगी, पद यात्रा होगा, जितना करना होगा कर लेंगे। और हमने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर सरकार संविधान में हाथ मिलेगी तो हमारे लिए भी रास्ते खुले हैं। लेकिन इससे पहले हम देश दुनिया पत्रकार बंधु बुद्धिजीवियों को यह बताना चाहते हैं कि बिहार की 12 करोड़ महान जनता पत्रकार बंधु बुद्धिजीवी वर्ग तय करे कि क्या यहाँ शासन का राज होगा कि कुशासन का राज होगा, ये सरकार तय करे। किस तरह के आंदोलन इस बार करेंगे, क्योंकि हर बार तो आंदोलन करके आप लोग आमरण अनशन इस बार आमरण अनशन होगा, फास्ट टिल डेथ। जी बिल्कुल, आमरण अनशन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। समस्या इस बात की है कि हम लोग मेरिट में आए हैं। कल आपने एक चीज़ देखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने धर्मपत्नी के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित थे, और एक बच्चा सोनू कुमार नाम का 11 वर्षीय, उन्होंने कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, आपके स्कूल में पढ़ाने वाले अंग्रेजी के अध्यापक को अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता। शिक्षा पर सबसे बड़ी तमाचा मुख्यमंत्री के सामने, और मुख्यमंत्री दांत खिसोर के चल दिए। उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था कि क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, क्या एसटीटी का मामला चल रहा है। इस चीज को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके धर्म पत्नी के ऊपर यही होती कि उस बच्चे की बातों के लिए एक हाई लेवल कमिटी का गठन करते और बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए वे एक सोल्यूशन निकालते। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होती, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। आप एसटीटी 19 को देखिए,
2019 में आया विज्ञापन, मैं खुद अपने माँ के गहने बेच कर फॉर्म भरा हूँ। यदि 500 रुपये हमारे उसमें लगे हैं, मैं इस 500 रुपये को कहीं इंटरेस्ट पर देता या वो गहने जो हमने बेचा उसे मैं किसी चीज़ में लगाता तो उसके ब्याज आते। अभी तक ये 3 साल बीत चुके हैं, क्या गुजर रहा होगा मेरे ऊपर, क्या गुजर रहा होगा मेरे माँ के उस सुहाग के ऊपर जिसके गहने को बेचकर मैंने उसमें लगाया है। सरकार इस बात को नहीं समझती, सरकार केवल टालती है। तो तुम फॉर्म भराओ ही नहीं। इस बार अब आपका आमरण अनशन होगा। बिल्कुल आमरण अनशन होगा, और हम लोग सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप ST-19 के विज्ञापन को आप कीजिए और सिलेक्शन के प्रोसेस को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे हैं, ये STET मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं, और इनका कहना है कि जैसे ही सीटेट के अभ्यर्थी यहाँ से उठेंगे और हम लोग भी यहाँ पर आंदोलन के लिए बैठ जाएंगे। हालांकि कई आंदोलन ये लोग किए लेकिन किसी भी तरह का कोई भी परिणाम नहीं निकला, लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई ये लड़ने वाले हैं, आमरण अनशन करने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार झुकती है, इनकी बात मानती है, या फिर ऐसे ही ये आंदोलन चलता रहेगा। चलिए, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।